वेलकम टू संकल्प क्लासेस। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो देखो, संज्ञानात्मक जो विकास है इसको दो भागों में बांटकर समझाने की कोशिश की गई है। एक तो प्रत्ययों का विकास और दूसरा भाषा का विकास। पहले जो है बच्चे में संप्रत्ययों का विकास होना चाहिए, उसके बाद भाषा का विकास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं ये चार होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यूपी टेट में भी दो क्वेश्चन पूछे गए थे, सुपर टेट में भी क्वेश्चन पता किया गया था। तो देखो, ये जो है चार अवस्थाएं होती हैं विकास की। पहली है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये अवस्था होती है दो वर्ष तक। संवेदी गामक अवस्था होती है दो वर्ष तक, जन्म से दो वर्ष तक। तो इसमें क्या है, शिशु संसार की छानबीन अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करता है। जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं आँख, नाक और कान, ये मतलब उनके द्वारा, जीभ, त्वचा, उनके द्वारा जो है वो संसार की छानबीन अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करता है। देखो एक बात बताओ, शिशु है, दो साल तक का बच्चा है, जब माँ की गोद में होता है, किसी की भी गोद में होता है, तो तुमने एक बात नोटिस करी होगी आप लोगों ने, वो किसी भी मतलब वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है या कोई भी पक्षी है, कुछ भी है, उसको बहुत देर तक ध्यान से देखता है वो। तो उसका क्या मतलब है, वो उसको समझने की चेष्टा कर रहा है, वो उसको उसकी खोजबीन करने की कोशिश कर रहा है, स्वयं करता है, बहुत देर तक देखता है। उसकी माँ भी कहती है क्या देख रहा बहुत देर से, है ना। तो क्या है कि शिशु संसार की छानबीन अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करता है, खुद समझता है, सीखता है। और भैया इसी अवस्था में जो है बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण भी आ जाता है। एक बार ये क्वेश्चन टेट में पूछा गया था कि वस्तु स्थायित्व का गुण जो है किस अवस्था में आता है, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, सपोज करो कोई वस्तु मतलब आपने तकिए के नीचे छिपा दी या कहीं किसी दरवाजे के पीछे छिपा दी, तो बच्चा जो होता है अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा उसको ढूंढ लेता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है, तो दोस्तों संवेदी गामक अवस्था में आता है, ये आपको ध्यान देना है। और ये अवस्था कब से कब तक होती है, जन्म से दो वर्ष तक होती है। वो क्वेश्चन कर लेता है जन्म से दो वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व का गुण कहाँ किस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का मतलब आप समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का मतलब किसी भी वस्तु को तकिए के नीचे या दरवाजे के पीछे छिपा दो, कहीं छिपा दो, बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा उसको ढूंढ लेता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप जाइए अंदर गहराई तक। उसके बाद दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो दोस्तों ये अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। ये क्वेश्चन भी टेट में आया था पिछली बार कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। तो इसमें क्या होता है, प्रतीकात्मक चिंतन करने की योग्यता हो जाती है। जो बच्चा बालक होता है उसमें प्रतीकात्मक चिंतन करने की योग्यता हो जाती है, पर कोई क्रिया नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है, वो उसके सामने कोई वस्तु है, उसके सामने कोई वस्तु होती है, तो क्या है उसको देख भी लेगा, उसको समझ भी लेगा, परंतु कोई क्रिया नहीं कर पाता है वो। तो इसमें क्या है, वो प्रतीकात्मक चिंतन करने की योग्यता हो जाती है। तो देखो दोस्तों इसी अवस्था में और भी बातें हैं, जैसे जीववाद है। जीववाद का मतलब क्या होता है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, जो सजीव है और जो निर्जीव है उसमें अंतर नहीं कर पाता। कैसे नहीं कर पाता, अरे भैया बच्चा चलता चलता सड़क पर घर में कहीं गिर जाए, जब बच्चा गिर जाता है तो क्या होता है कि गिरने के बाद में वो रोने लगेगा, ठीक है, उसको माँ ने, बाप ने या भाई ने देख लिया तो उसको जाके उठाते हैं, ठीक है ना, तो उससे कहते हैं कि किसने पिटाई की तुम्हारी, तो वो ज़मीन की तरफ इशारा करता है, जबकि ज़मीन तो एक निर्जीव है। तो जब हम ज़मीन को कहते हैं चलो हम ज़मीन की पिटाई कर रहे हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। तो इसका मतलब वो जीववाद होता है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। उसके बाद है अहम केंद्रिता। इसका क्या मतलब होता है, बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है वह जो कर रहा है सब ठीक है,
मतलब बच्चे के माइंड में एक बात रहती है, जो कर रहा है वो ठीक है और सभी जो है तुझे ही देख रहे हैं, ठीक है नहीं। जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं तो होता क्या है, हमारा ये होता है कि बड़े सूटी बूटी लोग आए सब हमको देख रहे हैं, तो बच्चे के मन में भी यही बात होती है कि भाई सब तुझे ही देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है अपलटावी, इसका मतलब क्या होता है, देखो भैया संख्या वस्तु समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है वो, आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। कैसे, संख्या का मतलब क्या है, देखो भैया जैसे बच्चा 2+4=6 होते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको कह दूं 4+2 = कितने होंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाता है और उसको दिक्कत होती है, तो इसको कहते हैं अपलटा भी। इसी तरह से कोई भी वस्तु है, अगर हम उसने इस वस्तु को सीधा देखा है और उस वस्तु को हम उल्टा कर दें तो वो कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि 2+4=6 होते हैं, अगर 4+2 करूं तो वो जो है कन्फ्यूज हो जाएगा। और मैं एक बात और बताऊं, इसी अवस्था में बच्चे को मुद्रा संप्रत्यय का कोई ज्ञान नहीं, मुद्रा संप्रत्यय का भी पता नहीं होता है। अगर देखिए बच्चे के सामने आप एक सिक्के लेके आओ और एक 500 का नोट लेके आओ, तो होता क्या है, बच्चा सिक्के को उठा लेगा, उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, मुद्रा संप्रत्यय के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, उसको दूरी का पता नहीं होता है, उसको वजन का पता नहीं होता है, ठीक है नहीं, और उसको ऊंचाई का पता नहीं होता है, उनमें उसमें ये सब गुण नहीं होते हैं, उसे कोई इन संप्रत्ययों का कोई ज्ञान नहीं होता है, किसका, मुद्रा का, दूरी का, भार का, ऊंचाई का कोई ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें बच्चा तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। तार्किक चिंतन क्या होता है, देखो तार्किक चिंतन होता है गुणा भाग प्लस माइनस ये सब करना शुरू कर देता है, तार्किक चिंतन करना, तर्क करना शुरू कर देता है। उसके बाद है चौथी अवस्था औपचारिक कार्यावस्था, या इसको औपचारिक परिचालन की अवस्था भी कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज, औपचारिक कार्यावस्था, औपचारिक परिचालन की अवस्था। इसमें जो बच्चा है अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, अमूर्त चिंतन, और ये 11 से 15 वर्ष तक होती है, वैसे ये 19-20 साल तक चलती है। तो देखिए ये 4 अवस्थाएं हैं, और 4 अवस्थाओं में आपको पता होना चाहिए कि ये अवस्था कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, और ये अवस्था कहाँ से कहाँ तक है। चारों अवस्थाओं को पता होना चाहिए कितने से कितने तक होती है। वो क्वेश्चन कर लेता है कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि दोस्तों आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें और घंटी को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।